अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इंफॉर्मेशनल हाल में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं कि ये वो वाहिद जमात है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान कभी किसी दूसरी पार्टी से इतिहाद नहीं किया, लेकिन फिर भी TLP अकेले सर पर ही हैरान कन वोट ले जाती है। नाजरीन, इसी हवाले से आज तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शुरा की जानिब से बहुत अहम फैसला किया गया है। नाजरीन, इस फैसले को बताने से पहले एक बात वाज़े करते चलें कि जब पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त तहरीके लब्बैक को तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से करोड़ों रुपए की ऑफर आई कि आप सेनेट का वोट हमें दे, लेकिन उस वक्त भी हाफिज साद हुसैन रिजवी की जानिब से तारीखी फैसला किया गया कि आप बहुत लेट आए हैं, आपके आने से पहले अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह हमारा सौदा बाजार मुस्तफ़ा में कर चुके हैं। उस वक्त भी इस फैसले को सुनते ही TLP के तमाम कारकुनान का सर फख्र से बुलंद हो गया था। नाजरीन, आज भी इसी तरह मरकजी मजलिस शूरा की जानिब से एक फैसला किया गया है। नाजरीन, आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत सी सियासी पार्टियों की जानिब से तहरीके लब्बैक के अहम रहनुमाओं से राब्ते किए गए और इत्तेहाद करने की ख्वाहिश जाहिर की गई, लेकिन नाजरीन पहले की तरह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शूरा की जानिब से तारीखी फैसला किया गया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने किसी सियासी जमात से इत्तेहाद किए बगैर आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जबकि अभी तक दूसरी कुछ सियासी पार्टियों को अपने उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। नाजरीन, के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तहरीके लब्बैक की मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।